हेलो दोस्तों, इसका पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी कि जो हमने फिजिकल आपको एक डायग्राम दिखाया था कि आपका कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑन होता है, उसका आज ये एक सर्किट में मैंने बनाया है। लोग बागों की समझ में कुछ मेरे पे कमेंट्स आए थे, उसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। ये कोई भी आपका जो भी सिस्टम चलता है वो फेस एंड न्यूट्रल से कंट्रोलिंग चलती है, और जो थ्री फेस होता है, जो थ्री फेस है केवल उसका काम होता है कि मोटर में सप्लाई जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्किट पूरा करने के लिए जो हमारा A1 और A2 की कोइल है, जो कोइल के दो पार्ट्स हैं, दो पॉइंट हैं, कि एक तो A2 हो गया, A2 में और A1 में, जैसे बल्ब में एक न्यूट्रल दिया जाता है, एक फेज दिया जाता है, यहाँ पर हम 220 के सर्किट की ही बात कर रहे हैं। आगे जब कोई और वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इन वोल्टेज के डिफरेंस के बारे में बताएंगे आपको। तो ये 220 का वोल्टेज का की कोइल इसमें लगा रखी है हमने, जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, और इसमें कोइल 24 वोल्ट AC या 24 वोल्ट DC के भी कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है मार्केट में, वे भी लगते हैं अपने कंट्रोलिंग वगैरह के सर्किट में। यहाँ देखिए, आपको जोन से जैसे हमने अपना बल्ब जलाते हैं जब कोई भी, या पंखा चलाते हैं, तो उसमें एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल जो आता है आपका, या एक तरफ ये फिक्स रहता है आपका, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर न्यूट्रल मोटर में एक ओवरलोड प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं कि मोटर कितना एम्पियर ले रहा है, जिससे कि मोटर, अगर मान लिया 5 horsepower की मोटर हमने लगाई है और 7.5 ampere तक वो जाती है, और हमारी अगर किसी वजह से स्विच को फेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दबा रह गया, तो उस समय हमारी मोटर पर ज़्यादा लोड पड़ गया तो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई जाती रहेगी और मोटर घूम जाएगा। उसकी प्रोडक्शन के लिए हम ओवरलोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरलोड के थ्रू हमने इसके A2 में सप्लाई दे दी है इसकी न्यूट्रल का, तो क्योंकि न्यूट्रल का एक तरफ का देने के बाद हमारा एक तरफ का सर्किट पूरा हो चुका है। अब दूसरी तरफ जब हम इसमें फेज देंगे A2 में, A1 में, तो उस समय ये कॉन्ट्रैक्टर की कोइल ऑन होगी, कोइल में करंट आएगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। A2 का सर्किट ध्यान रखें कि अब हमारा पूरा है, क्योंकि न्यूट्रल हम दे चुके हैं इसे ओवरलोड के थ्रू, और जो आपका फेस है वो फेस हमने MCB लगाया, यहाँ MCB के थ्रू हमने फेस लिया है, और उसके बाद एक पुश बटन लगाया ऑन का, यह नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है, जब इसे दबा देंगे तभी उस प्रेस करेंगे, तभी उसके बाद करंट की कंटिन्यूटी आगे की तरफ जाए। तो जैसे ही हमने ये बटन लगाया, हमने पुश करा इसे, तो इससे सप्लाई निकली और आप सप्लाई देख सकते हैं कि ये A1 में चले गई है। तो A1 में जाने के बाद जैसे ही ये सप्लाई जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन इस वाले सर्किट में क्या है कि अगर हम इस बटन से ही केवल काम करते हैं तो इसका मतलब जितनी देर हम दबाएंगे उतनी देर ही सप्लाई इसमें जाएगी, तो सप्लाई जाने के कारण ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। सपोज करो हमारी जो है थ्री फेज की सप्लाई ऊपर से आई भी है, आप देख पाएंगे वाली जो सप्लाई आई भी है, उसके कॉन्ट्रैक्टर के तीनों पॉइंट में, एक में RYR, एक में Y, एक में B फेज हमने दे दिया, क्योंकि थ्री फेज की मोटर हमेशा थ्री फेज से ही चलेगी। अगर ये सिंगल फेज की होती तो हम यहाँ पे एक सिंगल फेज दे के एक न्यूट्रल दे देते इसमें, और एक हम अपना हम फेज दे देते। तो ऐसे ही इसमें आप देखेंगे कि जैसे आपने एक ऑन का बटन हम छोड़ते हैं उसी समय हमारी सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। उसको लगातार चलाने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्टर स्विच डाल सकते हैं, कोई स्विच लगा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे सेलेक्टर स्विच ऐसे वन साइड का डाल दिया तो हमें ऊपर से ही सप्लाई जो है इसकी काटनी पड़ेगी MCB से, जो कि वो ठीक नहीं लगता है। तो हम जो ऑन ऑफ का बटन है वो हमेशा हम ऊपर की तरफ ही रखते हैं, ऑन के साथ ऑफ का भी लगाते हैं, वो काफ़ी ईजी होता है, जिससे कि आपकी मोटर कहीं वहीं से ऑन हो सके, और वहीं के साथ अगर ऑफ का बटन हम प्रेस करें तो ऑफ हमारा सर्किट हो जाए। तो जो ऑफ का बटन होता है इसमें नॉर्मल क्लोज यानी कि NC लगी हुई होती है ऑफ के बटन में। ये बटनों के बारे में, पुश बटन के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में डालूंगा, मुझे लगता है इसके बारे में भी बताने की आपको जरूरत पड़ेगी मुझे। तो ऑफ का जो बटन होता है, अगर आपका NC नॉर्मल NC का पॉइंट इस तरह बनता है कि ये हमेशा बंद रहता है, इसमें अगर आप एक तरफ सप्लाई दे दोगे तो दूसरी तरफ सप्लाई ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और जो हमारा इसका NO का बटन रहता है, NO के बटन में हमेशा जितनी देर आप पुश करोगे इसको, मान लिया यहाँ से पुश करेंगे हम, तो ये उतनी देर के लिए इसका सर्किट जुड़ेगा। तो NO का बटन में ये वाली बात होती है। तो ऐसे ही हमारा ऑफ के बटन में ध्यान रखें, यहाँ पे हमारा NC लगा हुआ है, तो इसमें NC के थ्रू ये करंट डायरेक्ट इस NC में आ गया, और NC से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर की जो दूसरा एक पॉइंट मैंने बताया था आपको कि NO का पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्टर में, उसमें लग जाता है।
यानी कि एनओ के पॉइंट तक आपकी सप्लाई यहाँ तक पूरी आई हुई है इस समय, जब हमारा पी का बटन यो ऑफ का बटन जो है हमारा हमने पुश नहीं कर रखा है, क्योंकि इसमें नॉर्मल क्लोज का सर्किट लगा हुआ है। तो जैसे ही हम अब इसका ऑन का बटन दबाते हैं और ये वाली जो सप्लाई है, जैसे ही कोयल ऑन होती है, कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ, ऑन होते के साथ ही एनओ भी ऑन होगी, एन होते के साथ ही जो करंट ऊपर की तरफ है वो करंट नीचे की तरफ आ गया और हाथ के हाथ इसकी कोयल में करंट चला जाएगा और हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। तो अगर हम ऑन का बटन छोड़ भी देंगे तो ये वाली सप्लाई इसमें बनी रहेगी जब तक कि हम ऑफ का बटन दोबारा ना दबाएं। अगर हम ऑफ का बटन दबाएंगे ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के कारण हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएगा। जो आर वाई भी है, जो फेस है, आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोलिंग सारी की सारी सिंगल फेस में है, और जैसे होम में होती है, घरों में होती है चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ सिंगल फेस हम यूज करते हैं, तो सारी कंट्रोलिंग हमारी सिंगल फेस में ही चलती है। चाहे आप 24 वोल्ट डीसी की सर्किट बनाएं, चाहे 24 वोल्ट एसी का सर्किट बनाएं। थ्री फेस का काम होता है कि कॉन्ट्रेक्टर में ऊपर दे दिया और आपका नीचे की तरफ जहाँ पे आपने मोटर लगा रखा है उसमें आपकी सप्लाई चलेगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमारा जो भी आर वाई वाई बी फेस है ये कभी टच नहीं होनी चाहिए आपस में, और ये वाले फेस के बीच में जब हम अपने एमसीसीबी से या मशीन का जो हमारा मेन स्विच होता है उससे लेते हैं, तो उस समय इसमें बीच में एक एमसीबी डाली जाती है, या और एमसीबी भी अगर नहीं डाल रखी है तो एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर हम लगाते हैं। वो इसलिए होता है कि जिस समय मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा उसके लिए भी, कि जब मोटर अगर ज़्यादा लोड ले जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए या आपका सिंगल फेस हो जाए या वोल्टेज जो है आपके बहुत कम आ रहे हो, तो उस समय वो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी, तो थ्री फेस की सप्लाई जो है वो मोटर में नहीं आ पाएगी। इस बात का ध्यान रखना है कि थ्री फेस पे कभी भी हाथ से काम नहीं करना है, हमेशा पेचकस अच्छी क्वालिटी का हो या इंसुलेटेड हो, वेल इंसुलेटेड टेस्टर वगैरह से आप इसको यूज करेंगे। एमसीबी बंद होनी चाहिए जब आप थ्री फेस पे काम करेंगे, मोटर पे कनेक्शन करते हुए आपके पास हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, और आपके कनेक्शन प्रॉपरली तरह से प्रॉपर तरह से टाइट होने चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में भी कंट्रोलिंग सिंगल फेस में चलेगी, मोटर अगर आपका थ्री फेस है तो थ्री फेस केवल मोटर को ऑपरेट करने के लिए ही चलेगा, और जो मोटर की जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर है उसकी कोयल हमेशा में उतना वोल्टेज देना है जितना वोल्टेज आपने कोयल में लिखे हुए देखे हैं। जितनी भी कोयल वोल्टेज की कोयल होगी उतना ही वोल्टेज यहाँ देना है। सपोज करो यहाँ पे ये 24 वोल्ट अगर डीसी की वोल्टेज होती तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ फेस की जगह यहाँ पे मैं 24 वोल्ट डीसी ही देता, यानी कि डीसी वोल्टेज देने से जो हमने 240 की दे रखी है उसकी 24 वोल्ट का सर्किट सेम रहता, क्योंकि थ्री फेस जो आती है वो तो चेंज करनी नहीं है, हमें सिर्फ कंट्रोलिंग ही चेंज करनी है। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ और समझना है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ और जानने के लिए या कुछ और नई चीज़ें देखने के लिए या आपको आगे क्या समझना है उसके लिए मुझे आप अपने कमेंट्स में मेरे कमेंट्स में कुछ लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको अगला क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।